Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं, ये तो नॉर्मल है नहीं, और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल है, हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर रसूख खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा, और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो वेव रही है उससे बढ़ चढ़ के एक और बड़ी वेव आई बारामूला में, और उस वेव का हम मुकाबला नहीं कर सके। जो वहां जो वोट मांगे गए, अब बेटा गाड़ी पे खड़े होके वोटरों से ये कहे कि अगर आप मेरे बाप को वोट नहीं दोगे उसको फांसी लगेगी, आप वोट के जरिए मेरे बाप को फांसी से बचा सकते हो, या आपके वोट से मेरा बाप जेल से छुड़ेगा और तिहार का बदला वोट से, आप वोट दो और मेरे बाप को जेल से छुड़वाओ, उसका मुकाबला हम करें तो करें कैसे? मेरे पास तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। मैं वोटरों को क्या कहता कि नहीं जी लगने दो इंजीनियर रशीद साहब को फांसी, आप मुझे वोट दो, या मैं लोगों को क्या ये कहता कि नहीं जी ठीक है बैठने दो उसके बाप को जेल में, छोड़ दो आप मुझे वोट दो। नहीं था हमारे पास उस सेंटिमेंट का जवाब, और बह गए लोग। अब हमारे अपने पार्टी के, अब मैं किस किस के नाम दूं जो जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनका अगर खुद का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को आया होगा तो गनीमत है, उनके घर के वोट नहीं आए हमें, उनके घर वालों ने तक वोट इंजीनियर को दिए। जनाब सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट मतलब उसको आप वेट में तो आप तब्दील कर नहीं सकते हो। जाहिर सी बात है कि जब बारामूला के लोगों को अपने उम्मीदवार का फैसला करना पड़ा था तो उनको मेरे मुकाबले में इंजीनियर रशीद साहब जो हैं एक ज्यादा बेहतर उम्मीदवार के तौर पे नजर आए। उनको ये लगा कि इंजीनियर रशीद साहब उनके जज्बातों की तर्जुमानी जो है ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वो ना आप जैसे भी कहना चाहें आप कहिए ना, वो मैं क्या कह, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। हाँ वो थर्ड टाइम तो है, लेकिन जिंदगी में पहली बार कोलिशन, अभी तक शायद 3 या 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कभी कोलिशन नहीं। इससे पहले 10 साल मुल्क के वजीर आजम रहे, कोई कोलिशन नहीं। यहाँ तक के पिछली हुकूमत में जिस तरह एलाइज को बेइज्जत किया गया क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी, ये पहली मर्तबा है कि वजीर आजम साहब को कोएलिशन चलाना पड़ रहा है। अब इसका मुल्क पे क्या असर होगा, बीजेपी या हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या असर होगा, ये देखेंगे हम। लेकिन ये कोई बड़ी कामयाबी बीजेपी का तो है नहीं, बिना एलाइज के वो हुकूमत नहीं बना सकते। और मैं इस बात से हैरान हूं कि ये जो पिछले 5 साल की हुकूमत रही इसमें बीजेपी ने वो सारा कुछ कर दिया जिसका वो सालों साल से जो है लोगों से वादा करते आए, चाहे वो 370 हो, चाहे वो
राम मंदिर हो, लेकिन ये सारा करने के बाद भी लोगों ने उनकी सीटें बढ़ाई नहीं, कम की। जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 300 भी पार नहीं कर सके, जो 370 की बात कर रहे थे उनकी गाड़ी तो 240 भी पार नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं तो जिस तरह हम अपने हार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मतलब उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को भी ये इलेक्शन जो है एक हार के तौर पे तस्लीम करनी चाहिए। J&K का मैं क्या नहीं सकता हूँ, हम तो यह उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जो धोखे हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा। पहली बार तो ये कि आप हमें स्टेटहुड रिस्टोर करिए और हमारे असेंबली इलेक्शन कराइए, उसके बाद जो हमें बाकी लड़ाई लड़नी होगी 5 अगस्त 2019 के खिलाफ वो हम लड़ते रहेंगे। ये अपने आप में कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं है कि टेरर अटैक हुआ है। बदकिस्मती से, और ये मैं पहले भी मैंने ये कहा हुआ है, इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आजाद किया था, वहां पर नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब ये जो नई हमारी हुकूमत दिल्ली में बनी है, क्या ये इससे कुछ सीखेंगे या नहीं, क्योंकि यहां हमारे जो हुकुमरान है ये नहीं सीखेंगे। ये जो हमारी LG हुकूमत है ये आंखें बंद करके चलते हैं। हालात इन इलाकों में खराब हुए, इन लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं हुई। अब अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं, ये तो नॉर्मल है नहीं, और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं ये उन लोगों को इस चीज का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है, हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर रसू खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा, और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। अभी फिलहाल तो हमें किसी भी साइड से कुछ नजर नहीं आ रहा है, और इस हुकूमत को अभी बने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, थोड़ा सा इनको संभलने दीजिए, इन्हें भी वक्त लगेगा दोबारा अपना कारोबार शुरू करने में, फिर देखते हैं आगे कहां तक पहुंचते हैं ये। आपकी नजर में इस गवर्नमेंट को तब्दीलियां लानी पड़ेगी जिसके हिसाब से अभी तक जिस तरह लोगों ने सजा दी, लोगों ने तब्दीली मांगी है, अब जिस तरह मंत्रियां बने तब्दीली, उसमें तो कोई खास हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन वोटर ने अगर कुछ पैगाम मोदी साहब को भेजा है वो ये भेजा है कि आपके ये जो पिछले 5 साल रहे हैं हम इससे खुश नहीं हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलें, हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, न सिर्फ कि हम आपकी बात सुनते रहें। बेहतर ये होगा कि अब हुकूमत के तरफ से लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हम तो चाहेंगे, क्योंकि जब हमारे जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को जो हुआ, खासकर जब हमें हमारी रियासत छीनी गई, हमें UT बनाया गया, हमारे दो टुकड़े हुए, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू साहब ने बीजेपी का साथ दिया था।
जाहिर सी बात है इलेक्शन के नतीजे अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में तो लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। लद्दाख में भी बीजेपी को जो है कस के वोटरों ने जो है मारा है और जम्मू में भी कोई खास बीजेपी का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा नहीं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की मदद की थी लोग उस फैसले से खुश नहीं हैं और अगर वो हमारे स्टेटहुड और इन चीजों को रिस्टोर करने में अब लोगों की मदद करेंगे तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले एक्सपेक्ट क्या आप कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई उसी तरह असेंबली इंतखाबात की उम्मीद? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और असेंबली के इलेक्शन जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस इलेक्शन में और एक बात देखने को मिली है कि जो हमारी यहाँ पार्टियां हैं चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी है जो भी, इसमें कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखी, जम्मू में तो पलड़ा पोषण का बारी रहा है और नॉर्थ कश्मीर में, आने वाले टाइम में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है जो हमारी खुद की पार्टी है? अब इस इलेक्शन में सबसे बड़ी कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही। अगर आप वोट शेयर के लिहाज से देखें, अगर आप सीट्स असेंबली सीट्स सेगमेंट्स के लिहाज से देखें तो सबसे भारी कामयाबी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, इस बात के बावजूद कि नॉर्थ कश्मीर में हमारी हालत काफ़ी पतली रही। अगर ये हम मान के चलें कि असेंबली इलेक्शन में इस तरह का वेव जो है शायद नहीं होगा जिस तरह हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले असेंबली इलेक्शनों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रहेगा। लेकिन हमें वोटरों को तक पहुंचना होगा, अपनी बात वोटरों तक पहुंचानी होगी। जहां हमारी कुछ कोताहियां रही हैं, जहां हमारी कुछ कमजोरियां रही हैं, जहां जाती तौर मुझे इस इलेक्शन से सीखने के लिए जो है एक पैगाम बारामूला के लोगों ने दिया है, हमें सीख के जो है और इन चीजों को दुरुस्त करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करना चाहिए। क्या उस असेंबली हलकों में असर पड़ेगा जो रिसेंट रिजल्ट्स लाके हो सकता है? अब देखें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब भी हमने देखा है जब से इलेक्शंस कैंपेन स्टार्ट हुए, इलेक्शंस नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट अटैक स्टार्ट हुए थे, अब चूंकि कल रियासी का हुआ है, क्या खदशात हम मान सकते हैं अमरनाथ यात्रा आने वाली है एक चैलेंज का? ये आप सवाल या तो पुलिस से करें या इंटेलिजेंस एजेंसियों से। मेरे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके बुनियाद पर मैं ये कहूं कि यात्रा को खतरा है या नहीं है। ना मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे कि कोई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि मैं यहां लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूं या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हम हमेशा ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यात्रा जो है पुरमन तरीके से हो, जो यात्री आए वो सही सलामत जो है यात्रा करके यहाँ से वापस चले जाएं, और यही हमारी उम्मीद रहेगी और यही हमारी दुआ रहेगी। तो साहब कश्मीर में हालात कैसे भी रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा यहाँ रवादारी दिखाई है, लेकिन जो अब नई गवर्नमेंट बनी है क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 5 साल या पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटीज ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उनका कुछ खजाना होगा या एज इट इज? अब जिस तरह वोट पड़े हैं बाकी मुल्क में और जिस तरह एनडीए में कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, मुझे लगता है बीजेपी को नहीं एनडीए को जरा हिसाब लेना होगा कि वो किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। ये मुल्क जो है ये किसी एक मजहब के लिए नहीं है, सबके लिए है। जम्मू कश्मीर ने जिस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया वो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान था, वो ये हिंदुस्तान नहीं है जिसमें पूरे एनडीए में आपको इन चार मजहबों का कोई एमपी ही ना मिले। यह शर्म की बात है इन सारे एनडीए वालों के लिए कि ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई बौद्ध, ना कोई ईसाई। उनको अपना तौर तरीका जो है बदलना चाहिए। अगर उन्होंने मुसलमानों के साथ सही सलूक किया होता शायद उनकी सीटों में जो है उनकी तादाद बढ़ जाती। मुसलमानों ने अच्छा खासा अपने वोट का इस्तेमाल किया और उसका खमियाजा बीजेपी वाले भुगत रहे हैं आज। आने वाले टाइम में चूंकि बातचीत का जंडूरा हर कोई पीटता है लेकिन सामने आना बड़ा मुश्किल होता है, अक्रॉस द बॉर्डर हमारी यहाँ लीडरशिप भी नहीं है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है? इलेक्शन भी होंगे, स्टेट बोर्ड भी नहीं। अब यहाँ इलेक्शन हो जाने दीजिए, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। फिलहाल तो कोई ज्यादा मुझे इसमें बदलाव होते हुए दिखता नहीं है।
और मैंने हमेशा ये कहा है जहां बातचीत के जरिए हमें मसले हल करने हैं वहां बातचीत के लिए माहौल भी तैयार करना है, और मैं मान के चलता हूं कि माहौल तैयार करने में जितनी जिम्मेदारी इस हमारे मुल्क की है उससे शायद ज्यादा जिम्मेदारी हमारे पार के मुल्क की है। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें भी कोशिश करनी होगी कि बातचीत के लिए माहौल बने, और फिर आगे जाके देखेंगे हम कहां तक पहुंच पाएंगे। रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे हालात ऐसे हो गए कि सबों ने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शायद नजदीक हो गई है, क्या सच्चा, क्योंकि जो फ्लक्चुएट होता है कभी सारे लोग भी परेशान होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज का प्रेशर, ओवरऑल माहौल ऐसा बिगड़ जाता है कि वाकई लगता है कि आर्मी जंग। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा जंग नजर नहीं आ रहा है, है कुछ इलाके जहां पे प्रॉब्लम, अब देखिए किस तरह फलस्तीन के लोगों को दिन दहाड़े जिस तरह उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, चार लोगों को बचाने के लिए लगभग 300 लोग जो हैं उनकी जानों का कोई मतलब ही नहीं, एक तरफ से चार बचाए दूसरी तरफ से आपने 300 जो मैं पढ़ रहा हूं 300 के आसपास आपने मारे, पता नहीं कितने 100 आपने जख्मी किए, ये कहां का इंसाफ है ना। कभी ना कभी तो इन चीजों का जवाब लिया जाएगा, जो दुनिया के लीडर बने हुए हैं, जो इस्लामी मुल्क के लीडर बने हुए हैं उनकी आवाज को हुआ क्या है, आखिरकार उनके जबानों पे ताला क्यों लगा है, क्या उन्हें जो अफसोस हमें होता है क्या उन्हें वो अफसोस नहीं होता। अगर मैं आपसे जिक्र कर सकता हूं इस चीज के बारे में, वो तो बड़े बड़े बादशाह लोग बैठे हैं ना, क्या वो जिक्र नहीं कर सकते, क्या जरा सा भी उनकी हमदर्दी जो है वो रही नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं यार। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो दूर की बात, वो हालात शायद नहीं बनेंगे, लेकिन जो इन लोगों पे गुजर रही है उसको तो रोकने की कोशिश वो करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस टाइम एक टोटल रिजल्ट देखने को मिला जो एक्सपेक्टेड शायद नहीं था। नहीं, वो तो चार सीट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मैं भी बारामुल्ला से जीतने की उम्मीद रख रहा था, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों में फर्क रहता है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जीतना, वहां से मुझे ऐसे कस के थप्पड़ पड़ी कि अभी भी उस थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हुआ। आखिरी बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि असेंबली कब होंगे, कब नहीं होंगे, होंगे तो जरूर, लेकिन जो रिसेंटली वोट में जमात इस्लामी का भी प्रेजेंस देखने को मिला, क्या आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा माहौल उनके लिए भी पैदा हो सकता आ जाए? अभी तक ना जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका उम्मीदवार कहीं नहीं था। इससे पहले भी कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें जमात इस्लामी के लोगों ने वोट नहीं डाले, और हम भी जानते हैं कि अक्सर बेशतर उनका वोट किस तरफ को गया। अच्छा यही होगा कि वो खुल के मैदान में उतरें, अपने उम्मीदवार लाएं और फिर बताएं लोगों को कि वो क्या हासिल करेंगे यहां के लिए। पिछले 35 साल जो हमारी तबाही रही उसके बारे में भी उनसे पूछा जाएगा, जो उनके आगे के इरादे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में वो भी इसी मुल्क के आईन का हल्फ उठाएंगे जिस मुल्क का आईन का हल्फ मैं उठाता हूं, उसके बाद बताएं लोगों को कि वो क्या करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। धन्यवाद।